गुड मॉर्निंग नमस्ते प्रणाम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम विमल दिस इज विनय कुमार यादव। गाइस वीडियो में हम लोग सीखते हैं संदर्भ स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर के द्वारा कुछ हिंदी सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे हिंदी सेंटेंस को हम लोग अक्सर अपनी बोलचाल में प्रयोग करते हैं, मुझे शौक नहीं है वहां जाने का, मुझे शौक नहीं है उनसे बात करने का, मुझे शौक नहीं था इंग्लिश सीखने का, मुझे शौक नहीं था उनको बुलाने का, मुझे शौक नहीं है वहां खेलने का, मुझे शौक नहीं है उनसे बात करने का। तो ऐसे हिंदी सेंटेंस को आप इस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि आपका स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद आपको नॉट लगाना है क्योंकि मुझे शौक नहीं है, उसके बाद लिखना है ऑन ऑफ, और उसके बाद अगर नाउन आता है तो नाउन लिखने लिखेंगे आप लोग, अदरवाइज वर्ब आता है तो वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है और उसके साथ आपको एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं तो एक्स्ट्रा वर्ड आपको लिखने हैं। जैसे कहते हैं कि मुझे शौक नहीं है चाय, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टी, ठीक है, मुझे शौक नहीं है बाइक, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बाइक। तो अगर नाउन आते हैं तो आप नाउन लगाएंगे, अगर वर्ब आता है तो आपको वहाँ पे वर्ब का यूज करना है। जैसे आप बोलेंगे मुझे शौक नहीं वहाँ जाने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर, मुझे शौक नहीं है आपको बुलाने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कॉलिंग टू यू, ठीक है। तो ऐसे आपको हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आई यहाँ पे कुछ हिंदी सेंटेंसेस हैं, इस हिंदी सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इसके साथ साथ भी अदर भी जो भी हिंदी के सेंटेंसेस होंगे इस स्ट्रक्चर के द्वारा जो बन सके उन वैसे हिंदी सेंटेंस को भी हम लोग अपने घरों पे बैठकर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और डेली वे अपने कम्युनिकेशन में उसका यूज करेंगे बोलने के लिए। आइए हम यहाँ पे हिंदी सेंटेंस जो दिया है उसको ट्रांसलेट करते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है वहां जाने का, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है आई, आई के साथ आपके आएंगे आई एम नॉट, क्योंकि शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग, आई नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर, मुझे कोई शौक नहीं चाय का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टी, यानी आप विमल प्लस आईएनजी की जगह पे टी आपका नाउन आ रहा है तो आपको टी लिखेंगे। मुझे कोई शौक नहीं है पल्सर का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ पल्सर जो बाइक है, ओके। मुझे कोई शौक नहीं था अंग्रेजी बोलने का, मुझे कोई शौक नहीं था, ये आपका पास्ट हो गया तो आप लिखेंगे आई वाज नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं था वहां जाने का, ये पास्ट हो जाएगा तो आप आवाज लगा देंगे, ओके। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, ऐसा बोलते हैं ना, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, मुझे कोई शौक नहीं था तुमसे बात करने का, तो ऐसे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश से बोलेंगे। आई एम नॉट ऑन ऑफ टॉकिंग टू यू, यानी मुझे कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का, ठीक है। अगर देरी हिंदी सेंटेंस मुझे शौक है वहां जाने का, तो आप नॉट हटा देंगे और वैसे आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, ओके। मुझे आशा है कि यह स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस नाउ प्लस विमल प्लस आईएनजी, और ये आपको हिंदी सेंटेंस इस तरीके से ऐसे हिंदी सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। थैंक यू टू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।